हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं धवल ठाकुर इश्यू ऑफ शेयर्स का पार्ट टू लेकर आ गया हूँ, जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं जर्नल एंट्रीज, अकाउंटिंग प्रोसीजर और सारा कुछ जितना बेसिक से रिलेटेड रिक्वायर्ड एलिमेंट है। फर्स्ट पार्ट में बच्चों हमने मीनिंग ऑफ शेयर्स डिस्कस किए थे, मीनिंग ऑफ नॉमिनल वैल्यू एंड इश्यूड प्राइस हमने डिस्कस किया हुआ है, टर्म्स ऑफ इशू हमने डिस्कस किए थे, मीनिंग ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन, फुल सब्सक्रिप्शन हमने डिस्कस किया था, और आज बच्चों हम डिस्कस करने वाले हैं प्रोसीजर एंड जर्नल एंट्रीज। क्योंकि जब भी कंपनी शेयर्स इशू करती है, व्हेन कंपनी इशूज शेयर्स, कंपनी उस शेयर का जो इशूड प्राइस है वो पूरा का पूरा एक ही बार में कलेक्ट नहीं करती। कंपनी ये सारे अमाउंट्स कलेक्ट करती है इन नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स। कंपनी ये पैसा एक ही बार में लोगों से कलेक्ट नहीं करती, कंपनी ये 10 रुपीज या 12 रुपीज या 15 रुपीज जो भी उसकी इशूड प्राइस होगी वो लोगों से कलेक्ट करती है इन द फॉर्म ऑफ वेरियस इंस्टॉलमेंट्स। क्या कहना चाहता हूँ ध्यान से देखिए, बट आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के बीच में इन वीडियोस को जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि उनको भी उतना ही बेनिफिट्स हो जितना आपको मिला है। स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो जब भी कोई कंपनी शेयर्स इशू करेगी, हम प्रीवियस लेक्चर का ही एग्जांपल कंटिन्यू करते हैं। मैंने कहा था 10 लाख शेयर्स ऑफ ₹10 ईच इशूड एट 10 पर शेयर। कोई भी कंपनी, एग्जाम में आपको क्वेश्चन दे दिए जाएंगे दैट राम लिमिटेड इशूड 10 लाख शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, 10 लाख शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट 10 पर शेयर। तो सबसे पहले तो आपको यह ढूंढना होगा कि कितने नंबर ऑफ शेयर्स कंपनी ने इशू किए हैं। सेकंड आप ढूंढोगे कि जो शेयर इशू किए हैं उसकी फेस वैल्यू कितनी है, उसकी इशूड वैल्यू कितनी है। आप दोनों में डिफरेंस देखोगे, व्हेन फेस वैल्यू इज इक्वल टू इशूड वैल्यू, वेदर द शेयर्स आर इशू एट पार और एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट, ये सारी चीजें हम देखेंगे। अब इतना सारा एलिमेंट्स कवर करने के बाद, ये सारी चीजें देखने के बाद हम ये देखेंगे कि हमें कितने एप्लीकेशंस मिले हैं, एंड देन हम हमारा काम स्टार्ट करेंगे। और इसीलिए बच्चों आपको ये सारी चीजें बताई गई हैं, क्योंकि अगर आप इन सारी बातों से अनअवेयर हो तो आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं। मैंने कहा कि ये कंपनी 10 ईच का शेयर 10 रुपीज में इशू कर रही है, तो व्हेन अ शेयर ऑफ ₹10 ईच इज इशूड एट 10 पर शेयर, कंपनी पूरा का पूरा 10 रुपीज शेयर होल्डर से एक ही बार में नहीं लेती। आपने थियोरी में पढ़ा होगा, मैं एक्सपेक्ट करता हूं पढ़ा होगा, आप जानते भी होंगे, और नहीं जानते होंगे तो मैं जो बता रहा हूं उतना आपके लिए इनफ होगा। व्हेन कंपनी इशूज शेयर, होता क्या है कि जो शेयर होल्डर्स हैं दे हैव टू अप्लाई थ्रू बैंक। नाउडेज आप ऑनलाइन वगैरह करते हो तो जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो एप्लीकेशन मनी पे करते हैं, फिर एप्लीकेशन मनी कंपनी के पास जाती है, फिर कंपनी नंबर ऑफ एप्लीकेशंस देखती है कि इशू ओवर सब्सक्राइब्ड है, अंडर सब्सक्राइब्ड है, फुल सब्सक्राइब्ड है, और अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन फुल कंप्लीट नहीं हुआ है तो पैसे शायद से वापस भी देने पड़ सकते हैं। बहुत सारे टेक्निकलिटीज होती हैं उन सारी बातों में। तो बच्चों कंपनी एप्लीकेशंस काउंट करती है, फिर कंपनी एप्लीकेशंस को चेक करेगी, फिर कंपनी डिसाइड करती है कि किनको शेयर्स अलॉट करने हैं और किनको शेयर्स अलॉट नहीं करनी है। इसलिए कंपनी पूरा 10 का ₹10 एक ही बार में कलेक्ट नहीं कर सकती। कंपनी अपने शेयर्स की इशूड प्राइस को अलग अलग इंस्टॉलमेंट में कवर करती है, एंड उन इंस्टॉलमेंट्स के नाम होते हैं, जैसे बच्चों पहला इंस्टॉलमेंट कहलाता है एप्लीकेशन मनी। मैंने आपके कन्वीनियंस के लिए सारी चीजें लिख के रखी है, ध्यान से देखिए। यहां पर कंपनी जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं उनसे कहती है अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन आपको ₹3 पे करना है। एप्लीकेशन क्या होता है बेटा, ये इनविटेशन होता है। कंपनी प्रोस्पेक्टस प्रिंट करवाती है, लोगों को कहती है, अपना प्रोफाइल बताती है कि सो एंड सो इज द ऑफर प्राइस, ये डेट है, ये सारी चीज़ें हैं, दोज हु आर इंटरेस्टेड कंपनी के शेयर्स खरीद सकते हैं। तो यहाँ पर लोगों को इनवाइट किया जाता है और लोगों को बताया जाता है कि आप जितने शेयर्स परचेस करना चाहते हो पर शेयर आपको एप्लीकेशन के फॉर्म में ₹3 देने हैं। लोग पे करते हैं खुद से एप्लीकेशन मनी, कंपनी सिर्फ इनवाइट करती है, जबरदस्ती नहीं कर सकती, ध्यान रखिएगा, क्योंकि एंट्रीज में ये सारी चीजें काम आएंगी। कंपनी ने इनविटेशन दे दिया, जिन लोगों को चाहिए वो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे, एप्लीकेशन मनी पे करेंगे। आफ्टर दैट दिस एप्लीकेशंस आर फॉरवर्डेड कंपनी के पास, एक शेड्यूल बैंक अकाउंट ओपन करना होता है, वहां सारे पैसे होते हैं। ये सारा थियोरेटिकल एस्पेक्ट है, मैं होप मतलब ऐसा उम्मीद कर सकता हूं कि आप जानते होंगे ये, और नहीं जानते हैं तो जितना बता रहा हूं उतना इनफ है। यस, आगे बढ़ेंगे। उस एप्लीकेशन मनी के बाद बच्चों अगला स्टेज स्टार्ट होता है, कंपनी एप्लीकेशन स्क्रूटिनाइज होंगे, चेक होंगे सारे डिटेल्स, नंबर ऑफ चेकलिस्ट आ गया, कंपनी वो चेक करने के बाद देखेंगी कि इशू ओवर सब्सक्राइब्ड है, अंडर सब्सक्राइब, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन कंपनी डिसाइड करेगी कि शेयर्स अलॉट करने हैं या नहीं। तो कंपनी जो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट, अब यहां पर कंपनी डिमांड करेगी
आपको इन्फॉर्म किया जाएगा दैट सर्टन शेयर्स आर अलॉटेड टू यू। अब आपको क्या पे करना है, अलॉटमेंट मनी पे करना है। फिर उसके थोड़े टाइम बाद जब कंपनी को चाहिए होगा, कंपनी कॉल मतलब आपसे पैसे डिमांड करेगी, क्योंकि देखो शेयर कितने का था, 10 रुपीज का, कंपनी ने अब तक आपसे कितने लिए, 3 ऑन एप्लीकेशन, 3 ऑन अलॉटमेंट, 6, 4 रुपीज अभी भी बचे हैं। वो कंपनी आपसे फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल, थर्ड कॉल के फॉर्म में डिमांड करेगी, मैंने यहाँ पर सिर्फ 4 इंस्टॉलमेंट्स में ये 10 रुपीज कवर करवा लिए हैं। फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल, फाइनल कॉल हो सकता है, मैंने फर्स्ट ही फाइनल हो सकता है, बट मैंने थोड़ा कुछ हो उसके लिए मैंने फर्स्ट और फाइनल कॉल सेपरेट रखे हैं। तो इस बार ये कंपनी 10 रुपीज, शेयर्स कितने में इशू हुए हैं, 10 रुपीज में है, कितने का, 10 रुपीज का, मतलब शेयर्स कैसे इशू हुआ है, एट पार। वो पैसे इन इंस्टॉलमेंट के फॉर्म में कलेक्ट करेगी। कौन कौन से इंस्टॉलमेंट, सर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का नाम है एप्लीकेशन मनी, फिर अलॉटमेंट मनी, फिर फर्स्ट कॉल, फिर फाइनल कॉल। फर्स्ट कॉल सेकेंड कॉल भी हो सकता है, फाइनल कॉल भी हो सकता है, इस फाइनल कॉल को सेकेंड एंड फाइनल कॉल भी कहा जा सकता है, नाम में कुछ नहीं रखा, काम पे ध्यान दीजिएगा। अब ये जो मैंने आपको पैसे बताए बेटा, इनसे ही हमारी एंट्रीज बन के रेडी हो जाएंगी। ध्यान से देखिएगा, एप्लीकेशन मनी बच्चों पहले रिसीव्ड होगी। सबसे पहले एप्लीकेशन मनी क्या होगी, रिसीव्ड। इस रिसीव्ड के बाद बेटा एप्लीकेशन मनी को क्या करना पड़ता है, ट्रांसफर, ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल। कहां ट्रांसफर कर देंगे, शेयर कैपिटल को। पहले जब कंपनी एप्लीकेशन इशू करेंगी, लोग अप्लाई करेंगे, तो कंपनी को एप्लीकेशन का पैसा मिलेगा, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, पहली जर्नल एंट्री। सेकंड क्या होगा बेटा, एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल। मैं आपको नंबर ऑफ एंट्रीज नाम बता रहा हूं, लर्न करवा रहा हूं, यही याद हो जाएंगी, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर। उसके बाद क्या होगा, अब यहां से ना सिचुएशन थोड़ी सी चेंज हो जाती है, ध्यान से रखिएगा। मैंने आपको कहा था कि कंपनी फर्स्ट टाइम इन्वाइट करती है, दैट्स वाई कंपनी को पहले पैसे मिलते हैं। जब भी हम अकाउंट्स में ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, एक सिस्टमैटिक प्रोसीजर होता है, और उसी प्रोसीजर के थ्रू हमें ट्रांजैक्शंस को क्या करना होता है, रिकॉर्ड। अलॉटमेंट के स्टार्ट से, फर्स्ट कॉल से और फाइनल कॉल से कंपनी जब डिमांड करती है तब शेयर होल्डर पे करते हैं। यहाँ शेयर होल्डर खुद से पे करता है, इसलिए रिसीव्ड की एंट्री पहले है और ट्रांसफर की बाद में। बट इन सबसिक्वेंट स्टेप्स, आने वाले स्टेप्स में कंपनी डिमांड करेगी और शेयर होल्डर क्या करेंगे, पे करेंगे। मतलब बच्चों यहां से क्या होगा, यहां से होगा बच्चों, ध्यान से रखिएगा, यहां से होगा अलॉटमेंट मनी ड्यू। यहां स्टेप क्या हो गया, अलॉटमेंट मनी ड्यू, और फिर यहां आ जाएगा अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। सेम फर्स्ट कॉल में भी ऐसा ही होगा, फर्स्ट कॉल में भी कैसा होगा, फर्स्ट कॉल मनी ड्यू, और फिर आ जाएगा फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड। फाइनल कॉल में भी सेम सिचुएशन होगी, फाइनल कॉल मनी ड्यू, फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड। ये बच्चों हमने सारी सिचुएशंस हमने कवर कर ली, 1, 2, 3 and 4, टोटल 4 सिचुएशंस है, और इन 4 सिचुएशंस से जो नंबर ऑफ एंट्रीज हमारे सामने आई वो टोटल कितनी एंट्रीज है, टोटल 8 जर्नल एंट्रीज बच्चों हमारे सामने रेडी हो गई। टोटल 8 जर्नल एंट्रीज मैं अभी आपके सामने प्रेजेंट करने वाला हूँ, और ये एंट्रीज ज़्यादा होती हैं तो पहले याद करना डिफिकल्ट हो जाता है कि एंट्री करनी कौन सी है, इसलिए ये आपके सामने सिक्वेंस लिखा गया है। एप्लीकेशन मनी, अलॉटमेंट मनी, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, सेकेंड कॉल भी हो सकता है, तो यहाँ पर सेकेंड कॉल एंड देन फाइनल कॉल, दैट वोंट मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस एट ऑल। यहाँ पर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड पहले होगा, फिर ट्रांसफर, बट अलॉटमेंट से कंपनी डिमांड करती है तब शेयर होल्डर पे करते हैं, एंड दैट्स व्हाई एंट्री फ्रॉम अलॉटमेंट्स आर लाइक अलॉटमेंट ड्यू, अलॉटमेंट रिसीव्ड, फर्स्ट कॉल ड्यू, फर्स्ट कॉल रिसीव्ड, फाइनल कॉल ड्यू एंड फाइनल कॉल रिसीव्ड। अब यहाँ पर बच्चों इन एंट्रीज को लिखने से पहले, मतलब स्टार्ट करने से पहले ही आपको सारी चीज़ें जो रिक्वायर्ड शॉर्टकट्स हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से।
अब अगर आप इन एंट्रीज को देखोगे, मैं ऑर्डर में लिखूंगा तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होगा, बट मैं इन्हें अलग तरीके से लिखने वाला हूँ। ध्यान से देखिए, इन टोटल एंट्रीज में रिसीव्ड वाली आप टोटल एंट्री देखिए, कितनी एंट्रीज ऐसी है जहां पर अमाउंट रिसीव्ड हुआ है। सर, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड, फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड। तो टोटल हमारे पास 4 एंट्रीज ऐसी हैं जहां पर मनी रिसीव्ड की एंट्री है। सीक्वेंस की बात नहीं कर रहा, सीक्वेंस में हम उनको अरेंज कर लेंगे। तो जब भी आपको कोई भी पैसा मिलेगा, ध्यान रखिएगा, जब भी आप कहीं पर कोई भी अमाउंट रिसीव करेंगे, तो वाइल इशूइंग शेयर सारे पैसे आते हैं बैंक के थ्रू, तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा। कोई भी आप एंट्री बना रहे हो, वो एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड हो, अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड हो, फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड हो, या फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड हो, डेबिट होगा बैंक अकाउंट डेबिट। क्या डेबिट होगा? बैंक अकाउंट डेबिट। और जिस कॉज के लिए पैसे मिले हैं वो कॉज होगा क्रेडिट। लेट्स से अगर एप्लीकेशन के लिए पैसा मिला है तो एंट्री आ जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। अगर अलॉटमेंट के लिए पैसा मिला है तो अलॉटमेंट, और कॉल के लिए मिला है तो टू कॉल्स। मतलब क्रेडिट वाला एस्पेक्ट चेंज होगा, डेबिट वाला एस्पेक्ट चेंज नहीं हो रहा। डेबिट वाला एस्पेक्ट आपको क्या लिखना है? सेम। और अगर आप इस लॉजिक से जाओगे तो इन 8 जर्नल एंट्रीज में से 4 जर्नल एंट्री आपकी तुरंत वहीं की वहीं क्या हो गई? खत्म। फॉर एग्जाम्पल, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। इज इट क्लियर? सीक्वेंस में तो करना पड़ेगा बच्चों, सीक्वेंस में करने से पहले एक बार एंट्रीज रख ले, सीक्वेंस में तो हम जमा ही लेंगे, उतना तो कर ही सकते हैं। इज इट क्लियर? सो दैट्स हाउ हम ये एंट्रीज फटाफट बिना किसी तकलीफ के लिख सकते हैं। लाइट से एप्लीकेशन मनी रिसीव की एंट्री क्या आ जाएगी, मैं लिख रहा हूं, ध्यान से देखिए, एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अब ये इक्विटी शेयर होंगे तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, प्रेफरेंस शेयर है तो प्रेफरेंस शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट। ये देखिए, दिस इज एंट्री नंबर 1। ये 2 बाद में देखेंगे, बट फिलहाल रिसीव्ड वाली, ये तो ट्रांसफर है, ये ड्यू है, ये रही रिसीव्ड। अलॉटमेंट एंड रिसीव्ड की एंट्री क्या आ जाएगी? सर वही सेम आपने कहा, बैंक अकाउंट डेबिट टू जो रिसीव्ड हुआ, क्या रिसीव्ड हुआ? अलॉटमेंट हुआ, तो लिखिए टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। इज इट क्लियर? फर्स्ट कॉल है, अब फर्स्ट कॉल ड्यू वो बाद में, बट फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड तो जानते हैं, फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड की एंट्री क्या आएगी? सेम वही, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। फाइनल कॉल मनी ड्यू की एंट्री तो नहीं पता, बट फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड की एंट्री क्या आ जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। एंड दैट्स हाउ इन टोटल 8 एंट्रीज में से 4 एंट्रीज तो बस हमने ऐसे ही लिख ली। हाँ, थोड़ा तो कुछ करना पड़ेगा, कुछ चीजें ध्यान में रखनी पड़ेंगी, सीक्वेंस ध्यान में रखना पड़ेगा, और सीक्वेंस मैंने आपको बता दिया है कैसे ध्यान में रखना है। या रिसीव्ड वाली एंट्रीज क्लियर है चारों के चारों, आई होप समझ में आ रहा होगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, इलेक्ट्रिसिटी चली गई है, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि वीडियोज में लाइट कितनी आ रही है। ठीक है, चलिए वीडियो कंप्लीट करेंगे हम लोग। हाँ, अब बचे कुछ एंट्रीज के बारे में बात करता हूँ, ट्रांसफर वाली एंट्रीज। अब ये ट्रांसफर वाली एंट्रीज में पहले हम देख लेते हैं ड्यू, ड्यू वाली एंट्रीज पहले देख लेते हैं, इस एंट्री को बाद में बताऊंगा। ड्यू वाली कितनी एंट्रीज है? वी हैव अलॉटमेंट ड्यू, वी हैव फर्स्ट कॉल ड्यू, एंड वी हैव फाइनल कॉल ड्यू। ड्यू 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 का मतलब क्या होता है? पैसा आने वाला है, और हम 11 स्टैंडर्ड से जानते हैं जो पैसा आने वाला होता है ना वो होता है डेबिट में। डेटर से अगर पैसा आने वाला है तो हम उसका अकाउंट डेबिट करते हैं, यस और नो? राइट। उसी तरीके से जिस रीजन से पैसे आने वाले हैं वो रीजन होगा डेबिट में, और शेयर कैपिटल अकाउंट विल बी क्रेडिटेड बिकॉज द अमाउंट इज रिसीवेबल ऑन अकाउंट ऑफ कैपिटल, एंड कैपिटल इंडिकेट क्रेडिट बैलेंस। तो जब हम अलॉटमेंट की बात करेंगे तो अगर अलॉटमेंट मनी ड्यू है तो एंट्री कैसे आ जाएगी? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल।
फर्स्ट कॉल ड्यू होगा तो एंट्री कैसे आ जाएगी, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। और फाइनल कॉल ड्यू की भी एंट्री कैसे आ जाएगी, सेम वैसे ही आ जाएगी, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। मतलब जो पैसे मिलने वाला है वो डेबिट में और शेयर कैपिटल क्रेडिट में, जो आने वाला है वो डेबिट में और शेयर कैपिटल क्रेडिट में। ध्यान से देखिए फर्स्ट कॉल ड्यू की एंट्री कैसे आ जाएगी, फर्स्ट कॉल ड्यू की एंट्री कुछ ऐसे आएगी। अगर फर्स्ट कॉल का पैसा, सॉरी नॉट फर्स्ट कॉल, अलॉटमेंट का पैसा आने वाला है तो एंट्री आ जाएगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। इन सब ड्यू वाली एंट्रीज में कैपिटल क्रेडिट में होगा और जिस रीजन से पैसे आने वाला है वो रीजन कहां होगा, डेबिट में। कहां होगा, डेबिट में। क्लियर, 1, 2, 3, 4। अब इसके बाद ये नेक्स्ट एंट्री कौन सी है हमारी, फर्स्ट कॉल ड्यू। फर्स्ट कॉल ड्यू में फर्स्ट कॉल आने वाला है तो वो डेबिट में आ जाएगा, एंट्री आ जाएगी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। सेकेंड कॉल बेटा हम ऑलरेडी ड्यू की तो एंट्री कर चुके, रिसीव्ड की एंट्री कर चुके हैं, फर्स्ट कॉल रिसीव्ड। सेकेंड कॉल ड्यू की या फिर जैसे फाइनल कॉल लिखा है तो फाइनल कॉल ड्यू की एंट्री क्या आ जाएगी, जो आने वाला है वो डेबिट में, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अगर आप ठीक से ऑब्जर्व कर रहे हो तो आपने देखा होगा ये जितने ड्यू वाली एंट्रीज हैं मैंने जो कॉज है वो डेबिट में लिखा हुआ है और शेयर कैपिटल कहाँ लिखा हुआ है, क्रेडिट में। लेट्स से अलॉटमेंट ड्यू इज लाइक इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, फर्स्ट कॉल ड्यू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल, फाइनल कॉल इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। प्रेफरेंस होगा तो प्रेफरेंस लिखेगा, इक्विटी होगा तो इक्विटी लिखेगा और सिर्फ शेयर होगा तो सिर्फ शेयर लिखेगा। ये एंट्री मैंने रहने इसलिए दी क्योंकि इस एंट्री में भी कुछ बहुत बड़ी बात नहीं है, ये भी वही एंट्री है, बट यहां पर क्या हो रहा है, ड्यू के बाद रिसीव्ड हो रहा है, यहां रिसीव्ड पहले हो रहा है और ड्यू बाद में, इसलिए इंस्टेड ऑफ ड्यू हम इसे क्या कहते हैं, ट्रांसफर। कौन सा पैसा ट्रांसफर करेंगे, जो पैसा हमें ऊपर मिला है, एंट्री तो कुछ वैसी ही है, उसी लॉजिक से की जाएगी। लाइक जैसे यहां पर एप्लीकेशन मनी है तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ये हमारी सेकेंड एंट्री, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, this is 7th and ये 8th. That's how we have completed all 8 journal entries. थोड़ा सा देखने में अगर आपको ऐसे कुछ गड़बड़ हो रही है तो आराम से एक पेज पे properly उतारिएगा, सारे बातों को एक बार ध्यान से आराम से सुनिएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा जो आपको समझ में नहीं आएगा। हमने सारा steps decide कर लिया है, application, allotment, first call and final call। यहाँ पर अलॉटमेंट से कहूँ तो ड्यू रिसीव्ड, बट एप्लीकेशन पहले रिसीव होता है एंड देन ट्रांसफर, एंड दैट्स वाई उसे ड्यू नहीं ट्रांसफर लिखा जाता है, बाकी कंसेप्ट वही है। जहाँ पर भी पैसे मिल रहे हैं वहाँ पर बैंक अकाउंट डेबिट है, जिस कॉज के लिए पैसे मिल रहे हैं वो कॉज क्रेडिट में है। एक बार आखिरी बार देख लेते हैं, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, अलॉटमेंट रिसीव्ड, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल रिसीव्ड, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल रिसीव्ड, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल। जब हम ड्यू या ट्रांसफर की बात करते हैं तो शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट में है, जिस कॉज के लिए पैसा आने वाला है वो है डेबिट में। तो अलॉटमेंट ड्यू की एंट्री, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, या फर्स्ट कॉल ड्यू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, फाइनल कॉल ड्यू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। लर्न करने की रटने की जरूरत नहीं है, चीजों को समझो अपने आप वो उस मोड में चली जाएंगी कि वो परमानेंट मेमोरी में आपके फिट हो जाएगा और चीजें आप याद रख पाओगे। इसी तरीके से इन वीडियोस को अच्छे से रिवाइज कीजिएगा, क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, और अगर आपको कहीं डाउट्स है या फिर इसके और वीडियोस चाहिए, आई नो देयर आर मोर डिफिकल्ट लेवल इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर, बट अगर आपको ये बेसिक पार्ट अच्छा लगता है, डू कम्युनिकेट थ्रू दी कमेंट सेक्शन, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक लिखिए और आगे के वीडियोज़ के लिए ऐसे ही चैनल को सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू, बाय बाय गाइस एंड टेक केयर।